और पहाड़ के बारे में बड़ा सुंदर निशन बड़ा ढेर दिन से साल में 9 दिन खातिर खुलवे करेला तो आज हमनी के चल जाई उ पहाड़ के एंजॉय करे। अभी हमनी के पहुंचल बा निशन गोबरधाना। यहाँ गाड़ी ओड़ी सब लागल बा, यहाँ बुझाता गाड़ी जमा होला। मेला लागल बा, यहाँ सारा लोग बुझाता खरीदारी करता पूजा के सामान मिठाई नारियल। फॉरेस्ट गार्ड के ऑफिस हो, सारा लोग के गाड़ी ओड़ी यहाँ लाग गई। अब सब लोग यहाँ से पैदल चलता, अब सब लोग यहाँ से पैदल जाता सुमेश्वर पहाड़ चढ़े खातिर। अभी यहाँ से सुमेश्वर पहाड़ रुआ 18 किलोमीटर बा। 18 किलोमीटर में जहाँ तक हमनी के बाइक से जा सकते हैं सुन वहाँ तक चल जाए जहाँ तक रास्ता हुई। हाई भाई लोग बुझाता हार गई बा, थक गई बा, ये लोग खड़ा होके आराम करता। हाई बच्चा सबके देखी कितना दौड़ दौड़ के जाता रसन, कितना सुंदर रास्ता बा। पूरा जंगल दोनों तरफ में बीच में रास्ता बा, एकदम पूरा दोनों तरफ से बड़ा सुंदर लागता। जहाँ तक बाइक आवे रहल, जहाँ तक गाड़ी आवे रहल, हम गाड़ी सही नहीं सन। एजा के बाद रास्ता एकदम नदी नदी बा, जहाँ बाइक जा ही नहीं के सकल। तो यहाँ से हमनी के चढ़ाई जो पैदल चले के पड़ी, ठीक बात। आई पैदल चल के एंजॉय कर जाओ। इमेश भंडारा में पूरा खाना फ्री में मिलेला भक्त लोग खातिर। अब हे में चले के बा पहाड़ एक तरह से कटल बा कि एकदम बुझाता उ पनिया जहाज बन गया, ठीक बा। तो पनिया जहाज देखी, पहाड़ के पनिया जहाज। अभी हम निकाल पाए चल परेवा दो, परेवा दो वही रास्ता हम पड़ेला। एजा पहले नेचुरल तरीका से कबूतर बहुत ज्यादा रहत लस, वही से अगर नाम चल गए परेवा दो, ठीक बा। कहीं एक जगह जब पूरा घूम के बैसला कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ज्यादा तो कहता है दोबारा हम आए, लेकिन फिर मन में कहता कि आए जरूर। इतना सुंदर बा, तो खूबसूरती इतना बा, या सुंदरता जनता इतना बिहड़ रास्ता भी लोग पार करते हैं। तो ये सब माता के शक्ति हो। चले के आगे फिर देख जाओ। अभी रास्ते में आई सर, लेकिन बड़ा सुंदर बा, एकदम लोग बैठल बा, थक गए लोग बैठल बा आराम करके। कितना खतरनाक ही रास्ता बा, पहाड़ के काट के बनल बा, बुझाता 2 फीट के रास्ते बा। तनियो को बैलेंस बिगड़ल तो नीचे गिरब दबा के खाली चढ़ाइए बा। अभी हम बैठल बानी प्राकृतिक झूला पर। प्राकृतिक झूला देखी है, भगवान के बनावल झूला हो। अभी हम चढ़क बा 800 फीट आ चढ़ल बानी सन 100 फीट। 100 फीट में बुरा हालत हो गई बा, 800 फीट अभी चढ़क बा। तो आई 800 फीट चढ़ के ओकर बाद आनंद लिया, प्रकृति झूला के झूल के आनंद लिया। न्यू चढ़नी सन 500 फीट, अभी चढ़क बा 700 फीट और 600। और हाइट लो पता, हाइट पर चढ़क बा, लेकिन ये अला के बाद मन तो करता जो कभी फिर दोबारा ना आए। लेकिन एक डिजाइन देखने के बाद अंदर के लोग के जोश देखने के बाद मन करता है फिर चलिए आगे फिर देख जाओ, फिर दोबारा आ जाओ। इतना खतरनाक चढ़ाई बा कि सब लोग माँ बन के चलता। बचपन के तो माँ बन के चल याद नहीं है, लेकिन हमारा के माँ बन के चल याद जरूर रही जिंदगी भर। चल चल चलनी सन 200 मीटर, लेकिन 200 मीटर में 200 जिंदगी चल गई सन। लगता कि फिर दोबारा मैंने देह से भेंट ना हुई। देखा चला आगे का होला, सही सलामत वापस आओ तीन सन की ना। चल के फिर आगे अभी हमने खाते हैं रसगुल्ला, देह में हो गई एनर्जी कमी। तो रसगुल्ला खा के देह में एनर्जी बनाओ दे सर, तो पहले रसगुल्ला खा के एनर्जी हो जाओ तब ना फिर चल जाइ। आज सफर के एंजॉय होता, आई कब रहो जंगल में मंगल करे। अब नहीं खे चढ़ल जा तो अब देह कहता मत चढ़ो।
हेलो भाई, वो सोती जना में फ्रिजो से ठंडा पानी आता जना पर मुंह धोला के बाद जब मुड़ी को पानी लगौनी हो तो अंदर से फील आई लो कि एकदम स्वर्ग में आ गई। ये स्वर्ग एक पहले तो बुझा रहा स्वर्ग ना चाहिए हमारा मन कर स्वर्ग बात ना चाहिए, लेकिन अला के बाद जब पानी मुँह पर मरनी हो गौ फ्रिजो से ठंडा वाला झील वाला तब बुझाई लगे सही में स्वर्ग इतना खूबसूरत होला। तब न इतना कष्ट काट के आदमी आता तो सारा कष्ट मंजूर हुआ इतना सुंदर स्वर्ग के आगे। अभी हमनी के बैठल बनी सन रसु गुरु बाबा के बनावल मंदिर में जौन शंकर भगवान के मंदिर है। मंदिर के सबसे बड़ा खासियत यह कि आज तक केहू जान ना पाल मंदिर कब बनल। यहाँ के जो प्रॉपर लोग बा ओकरा से पता कइले के बाद ये बात पता चलल कि रात तो रात ही मंदिर बनल बा। केहू के कहना बा कि साक्षात विश्वकर्मा भगवान के हाथ से बनावल मंदिर बा। एकरा में का भइल बा कि रात में यहाँ कुछ नॉर्मल रसु गुरु बा पूजा करत नहीं, सुबह सब लोग देखलक तो कुछ ना रहे, लेकिन रात भर के बाद सुबह आई तो रातों रात मंदिर बन चुका रहे। या कुछ ईंट पत्थर छिदरा ही रहे, लेकिन एक ओरिजिनल अस्तित्व असलियत का बा केहू के पता नहीं चल, लेकिन यहाँ के बाबा से पता चल कि विश्वकर्मा भगवान के साक्षात हाथ से बनावल मंदिर बा। तो आई एक के बाहर से भी देखल जाओ कि ई मंदिर कैसे साक्षात विश्वकर्मा भगवान बनैले बनी। आई एक बाबा का नाम बा कि पत्थर कितना बारीकी से कटल बा कैसे बनल बा आज तक केहू ना जानल। ई रहस्यमय मंदिर बा जौना के आज तक केहू पता भी ना लगा पौलक जो मंदिर कैसे बनल बा आ कब बनल बा। तो प्राचीन मंदिर है, आई एक के बाहर से देखल जाओ। फिर चालू हो गल बा चढ़ाई। अरे रास्ता पर चले में तो करेजा करता धुकुर धुकुर, लेकिन का कल जाओ यहीं पर चल के बा मने यहाँ पर चले में मजो आता। फिर ये गौरी खतरनाक पहाड़ आइल बा जौन वही माँ बन के चले के बा। हमनी के चढ़ गए इंसान 300 फीट। अभी हमनी के समथिंग मान ली कि 800 फीट और 700 फीट चढ़े के बा, लेकिन ये रुकने से ऐसे कि इतना सुंदर या खूबसूरत रहा नज़ारा पहले रुक के देख लिया तो रहू आई, लेकिन काबू बना के आई। 700 फीट चढ़ला के बाद अभी मान ली कि 400 फीट और चढ़े के बाद, लेकिन 700 फीट चढ़े में अभी हमनी के लागल 2 घंटा 20 मिनट। ठीक बा, तो ऐसा बा कि जौन भाई हमरा के माजा देनी है कनी रुअर माजा हमरा से ले ली, तो हम यहाँ के माजा तुमसुक ले लेनी है तो तुमसुक यहाँ के माजा ले लिया। हमारे प्रिंस भाई बानी वहाँ के सार तो भाई लोग वहाँ के सार है तो सुखनियों को माजा ले ले रहूँ। अगर मन उखे तो यहाँ का माजा ले ली पहाड़ चढ़ने आसानी हो जाएगी। खतरनाक रास्ता बा, दोबारा आवे के मन ना कर। सब लोग नीचे से आता इहे बा माँ काली के मंदिर पहाड़ के ऊपर। इ सब लोग माता के दर्शन करे खातिर लाइन में लागल बा। अभी हमनी के आ गेल बा इसन मंदिर के अंदर। जय माँ काली, रक्षा करना बच्चे जल्दी चलो ऊपर जाए तो देख जाएगा। मंदिर होता नारियल के, सब नारियल पुरता मंदिर के सामने ही यहाँ बनावल बा जगह नारियल फोड़े वाला, सब लोग नारियल ही फोड़े खातिर लाइन लागल बा। अब हमनी के दर्शन हो गई, पूजा हो गई, अब चल जाइ नीचे। घर से ले आते सन खजूर, भूख पड़ी लाग गई रहा खा ली सन ना, तब चल गए नीचे चल गए। अभी हमनी के नीचे जात रही सन, तो नीचे जाए में ई बहुत ही सुंदर कलाकारी भइल पत्थर लौकल ह, तो भइल एकरा के देख लिया। ये कटिंग है अभी एक पत्थर ये भी नहीं। पहाड़ के घीस घीस के कितना मेहनत करके एक से एक कलाकारी बनावल बा। हम अभी बैठल बानी महादेव के गोद में।
अभी हमने उतरा तो इनसे घर चले खातिर। अब हमने के उत्तर का निशान फिर नदी में, अब यहाँ से चल जाइए हमने के जंगल में, जंगल में से गाड़ी उठा जाए फिर घर चल जाइए। घूमनी सन बहुत ही अच्छा लागल, हमने के ऊपर से तो घूम के आ गए सन, बहुत ही मजा आई, लेकिन चढ़ाई बहुत बा, लेकिन मज़ो बहुत आता ठीक बा। तो रहु अगर घूमे के मन बा तो आई, साल में एक बेर खुले लाई 9 दिन खातिर नवरात्रि में। लेकिन आवे से पहले दूगो चीज़ के जरूर ध्यान रखी, 1 महीना पहले 5 किलोमीटर डेली दौड़ी, और दूसर आई तो ग्लूकोज के बोतल साथ लेके आई। चली बहुत बहुत धन्यवाद, अगला वीडियो मिल जाए।